हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। मेरा नाम है कुणाल लोनारे और मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो डियर, पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने प्रमोशन के स्टेज के बारे में जाना। आज हम लोग ये चीज जानेंगे कि इनकॉर्पोरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेज आते हैं। ठीक, अब जी इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बारे में मैं आप सभी को एक चीज और एक बार बता देता हूँ कि इससे पहले की पहली लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती है उनको पहला और दूसरा स्टेज फॉलो करना पड़ता है। ठीक, तब जाके इनको लाइसेंस मिलता है, तब जाके अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी। और जी, जो प्राइवेट कंपनी को जो लाइसेंस मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक, तो आज के जो लेक्चर्स रहेगा उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिलता है कंपनी प्राइवेट कंपनी को, तब जाके प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकती है। ठीक, उनको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उनको ये चारों स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके उनको लाइसेंस मिलता है, तब जाके अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है। राइट, तो ये तो फर्दर है, लेकिन आज की लेक्चर जो है इनकॉर्पोरेशन के बारे में, जहां पर मैं आपको इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बारे में बताऊंगा। और आज से ही इस वाला जैसे स्टेज बताऊंगा तो इस स्टेज के बाद प्राइवेट कंपनी जो होती है वो स्टार्ट कर सकती है, उनको लाइसेंस मिल जाता है और वो अपने आप को लीगली मार्केट में एग्जिस्ट कर सकती है। राइट, तो डियर पिछली वाली लेक्चर्स में हम लोग ने जाना था, मतलब पिछली वाली लेक्चर्स जो थी यहाँ पर ये स्टेप्स ऑफ प्रमोशन, यहाँ पर जो पहली लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था वहां से देख लेना। अब जी, आज जो सेकेंड लेक्चर है इसके बाद की जो लेक्चर है वहां पर हम लोग करेंगे इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बारे में। जैसा कि ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज जो कि सेकेंड स्टेज है ना। तो डियर आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब जी, सबसे पहला स्टेज है हमारे पास फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब जी, जैसे इनकॉर्पोरेशन स्टेज आता है, प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज आता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, प्रमोटर को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल अप करना पड़ता है। ठीक है, फिल इसको पूरा लिखना पड़ता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक आगे वाली लेक्चर्स में उस लेक्चर्स का नाम रहेगा डॉक्यूमेंट यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहां पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको बताना पड़ता है कि आपने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगाया है, उसमें कितना पैसा निवेश किया है। ठीक, उसके साथ साथ आपके जितने भी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके नाम क्या है, एड्रेस कहाँ है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बतानी पड़ती है। इसके साथ साथ आपको कंपनी का भी एड्रेस बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी कहाँ है, किस जगह पे लोकेट करती है, वो सारी चीजें। तो ये हो गया फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में। अब जी, इसके साथ क्या करना, अब जी सेकेंड स्टेज जो है हमारे पास वो है पेमेंट ऑफ फीस। अब जी, जैसे ही आप सभी ये डॉक्यूमेंट्स को फिल कर देंगे, तो आपको क्या करनी पड़ती है, कुछ फीस भी देनी पड़ती है। एक डॉक्यूमेंट को आप जैसे फिल कर देंगे तो आपको उसके बाद फीस देनी पड़ेगी। अब जी, जो फीस है इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज गुरु मंत्र है, यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। अब जी, जो फीस है वो आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है, आपने जितना ज्यादा कैपिटल लगाया है तो उसके हिसाब से उतना ज्यादा फीस आपसे चार्ज किया जाएगा। जितना ज्यादा आप कम कैपिटल लगाओगे उतना कम आपसे फीस चार्ज किया जाएगा। ठीक, तो जी पेमेंट ऑफ फीस में आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद आपको फीस देनी पड़ती है और वो फीस कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, जितना ज्यादा कैपिटल उतना ज्यादा आपको फीस देना पड़ेगा, जितना कम कैपिटल उतना कम आपको फीस देना पड़ेगा। अब जी, रजिस्ट्रेशन। अब जी, ये सारी चीज जैसी हो जाती है तो एक बंदा रहता है रजिस्ट्रर, वो चेक करता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है ऊपर, ठीक है, ये जितना भी डॉक्यूमेंट आपने फिल किया है वो सही है कि नहीं। अगर उसको लगता है कि हाँ ये पूरे डॉक्यूमेंट अच्छे से हो गए हैं, वेरीफाई हो सकते हैं, तो वो क्या कर देता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है और अपनी कंपनी को स्टार्ट कर देती है। ठीक, प्राइवेट कंपनी के साथ साथ पब्लिक कंपनी को भी लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था उसे चारों स्टेज फॉलो करना पड़ता है। ठीक, उसे जब पब्लिक कंपनी जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में आ जाएगी तब जाके उनको लाइसेंस मिलता है और तब जाके वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में बस प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेज को फॉलो करके उन्हें लाइसेंस मिल जाता है, अपनी कंपनी को स्टार्ट कर देते हैं और उनको जो लाइसेंस मिलता है उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जी, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर मिल गया। ठीक, पूरी भाषा समझ में आ गई, बहुत इजी कंसेप्ट था डियर, आज के लिए इतना ही। अब जी देखिए, प्रमोशन वाला स्टेज भी बता दिया मैंने आपको,
इसके साथ साथ आपको इनकॉर्पोरेशन स्टेज भी मैंने आपको बता दिया, इसके साथ साथ यहाँ पर है। अब जी जो फोर्थ अगली जो लेक्चर होगी उसमें हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बारे में जानेंगे और उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। लेकिन आप सभी को एक चीज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट, प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन हो गया है, अब प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है, ठीक। और उनको लाइसेंस क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब उनको ये तीसरा और चौथा स्टेज फॉलो करने की जरूरत नहीं है प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी को ना तीसरा ना चौथा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उनको बस पहला और दूसरा ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक। इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो डियर, इसी के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म, और आप सभी से मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बारे में जानेंगे। चलिए डियर, बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स।